गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज पेंटिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पहाड़ी लघु चित्र शैली। अभी हम इससे पहले राजस्थानी शैली के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी जो टॉपिक है हमारा आज है पहाड़ी लघु चित्र शैली। अब इसका नाम पहाड़ी क्यों पड़ा? पहाड़ी लघु चित्र शैली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसका उदय या जो विकास हुआ है या जहाँ पर यह बनी है वो सारे पहाड़ी राज्य थे, जो कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य के क्षेत्र में जो छोटी छोटी पहाड़ी रियासतें आती है, जहाँ पहाड़ी रियासतों में जो छोटे छोटे इलाके हैं उसमें छोटी छोटी रियासतें थी, उन राजाओं के संरक्षण में जिस कला का उदय हुआ वो है पहाड़ी कला, और वो सारे पहाड़ी राज्य थे, इसलिए इसका नाम ही पहाड़ी लघु क्षेत्र शैली रख दिया। अब आगे हम इसमें बात करेंगे इसके उदय और विकास के बारे में। पहाड़ी लघु चित्र शैली का उदय 1690 ईस्वी के आसपास रावी नदी के तट पर स्थित पहाड़ी राज्य बसोली में हुआ था। बाद में गुलेर, चंबा, मंडी, कांगड़ा, गढ़वाल, कुल्लू पहाड़ी कला शैली के प्रमुख या मुख्य केंद्र बन गए। इस लेसन में हमें इन सभी जो पहाड़ी शैलियां हैं इनके बारे में पढ़ना है, जिसमें गुलेर, चंबा, मंडी, कांगड़ा, गढ़वाल और कुल्लू जो है वो प्रमुख है, और इसमें भी कुछ इनकी उपकेंद्र भी हैं इनके, जो हैं जम्मू, श्रीनगर, नूरपुर, मनकोट, नालागढ़, इंदौर व पंजाब के कुछ मैदानी से इनके उपकेंद्र हैं। कि प्रमुख जो कला का जहाँ विकास हुआ जो पहाड़ी राज्य थे वो तो गुलेर, चंबा, मंडी ये थे, और उसके बाद जो जहाँ पर हुआ जो इनके उपकेंद्र माने जाते हैं कि कला वहाँ के बाद जिन जगहों पर फैली वो है जम्मू, श्रीनगर, नूरपुर, मनकोट, नालागढ़, पंजाब के कुछ मैदानी भाग 1900 में फैली। अब ये इस कला का उदय कैसे हुआ? ये कला जब उस समय मुगल साम्राज्य था 1690 ईस्वी के आसपास की, 1540 से शुरू होकर के और आगे तक जो मुगल साम्राज्य रहा है, तो 1658 ईस्वी में औरंगजेब जो था वो मुगल साम्राज्य का शासक बना, और जो औरंगजेब था वो कट्टर मुस्लिम शासक था, तो वो जो कुरान और जो शरीयत इस प्रकार जो उनकी है कुरान और शरीयत उसका कानून उसने चलाना चाहा कि जिसके अंदर ये मान्यता है कि आप ड्राइंग जो एक विलासी माना जाता है पेंटिंग कि भाई ये विलासिता का सिंबल है तो ये उनके धर्म में निषेध है कि अगर कोई मुस्लिम है, सच्चा मुस्लिम है तो उसे ड्राइंग जो नहीं बनानी चाहिए, और ड्राइंग में स्पेशली कोई ऐसी चीज़ नहीं बनानी चाहिए जिसमें जो लाइव हो, जैसे किसी आदमी का या फिर कोई जानवर या इस प्रकार के कोई उनको नहीं बनाना चाहिए। कि उनकी ऐसी मान्यता है कि अगर आप किसी हाथी का या किसी बकरी, गाय, भैंस या किसी इंसान का अगर आप ड्राइंग या चित्र बना रहे हैं और आप उसमें जान डाल के उसको जिंदा नहीं कर सकते तो फिर आपको उसको ड्रॉ करने या बनाने का अधिकार नहीं है। तो जब जैसे ही वो शासक बना तो उसने ये सारी जो कला शैली जो थी वह मुगल शैली थी उस सबको उसने बंद करवा दिया। सारे जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे वो वहाँ से बचा, अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग गए। कि वहाँ जब उसने उस चीज़ को निषेध ही कर दिया कि राज्य में कोई ड्राइंग नहीं बनाएगा, और उसने हालांकि उसने भी कुछ व्यक्ति चित्र या उसके पोर्ट्रेट या दरबारियों के चित्र उसने भी बनवाए, लेकिन वो उसके पर्सनल उसने बनवा लिए, लेकिन जो उसने उससे पहले के जो शासकों ने जिस प्रकार से कला को बढ़ावा दिया था वो उसने उसको रोक दिया वहीं पर कि उसमें कि अब ये जो है आगे से नहीं बनेगी। तो अब जो कलाकार थे उस समय उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए नए क्षेत्र को, नई जगहों को खोजना पड़ा नए राजाओं को कि कोई हमें संरक्षण दे और हम वहाँ जाकर के आर्ट को अपना करें या उस राजा के लिए काम करें। तो उन जो कलाकारों ने उनके आसपास के जो क्षेत्र थे ऐसे राजा थे कि जो उनको संरक्षण दे सके और वो अपना जीवन यापन कर सके उन पैसों से, तो उन जगहों को ढूंढते हुए जो मुगल कलाकार थे वो इन पहाड़ी राज्यों तक पहुँचे। तो कुछ कलाकार तो पहाड़ी राज्यों में पहुँचे, कुछ जो राजस्थान जो क्षेत्र है राजपूत राजाओं के वहाँ उनके पास चले गए, कुछ जो साउथ में दक्षिण की तरफ जो हम पढ़ेंगे हैदराबाद, गोलकुंडा, बीजापुर, कुछ जो कलाकार आर्टिस्ट थे वो उस तरफ चले गए। तो जो पहाड़ी क्षेत्र में या पहाड़ी राज्यों में जो कलाकार आए तो पहले से ही पहाड़ी राज्यों के कुछ कलाकार थे जो अपनी स्टाइल की पेंटिंग्स बनाते थे, और कुछ जो मुगल दरबार से भाग करके जो कलाकार वहाँ आ गए थे तो वो भी जब उन राजाओं के संरक्षण में रहने लगे और ड्राइंग जो या पेंटिंग्स जो बनाने लगे उन राजाओं के अकॉर्डिंग या जो उस राजा को पसंद आए, तो वहाँ की मुगल कला और पहाड़ी कला के मिश्रण से जो कला शैली का आगे विकास हुआ उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आगे हम ड्राइंग भी देखेंगे कि जो वहाँ के जो कलाकार बनाते थे वो ड्राइंग किस प्रकार की थी, और जो मुगल आर्टिस्ट जब वहाँ पहुँचे तो वो जो ड्राइंग बनाने लगे या उसके बाद जो ड्राइंग बनने लगी उनमें क्या डिफरेंस आया वो भी हम ड्राइंग के माध्यम से इसमें समझेंगे।
तो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि ये शैलीगत विविधताओं, शैलीगत विविधता इसमें क्या थी, शैली यानी कि जो उनकी स्टाइल जो बनाने की थी उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे इसमें पहाड़ी में और दूसरी में। तो जो शैलीगत विविधताओं के अलावा हिमालयी परिवेश, गोलमटोल चेहरे, अर्धचंद्राकार ललाट, ललाटों के नीचे सामान्य आकार की झील जैसी गहरी आंखों वाले सामान्य कद काठी के स्त्री पुरुषों से भरा पूरा लघु चित्रों का संसार इनको पहाड़ी वैशिष्ट प्रदान करता है। अगर जैसे अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पहाड़ी कला के बारे में लिखे हैं या उसकी शैलीगत विविधताओं के बारे में लिखे हैं या उसमें स्पेशल क्या था, तो इस प्रकार का जो है ये लाइन हमें पूरी याद करनी पड़ेगी कि उसमें स्पेशल क्या क्या था। कि जैसे वो पहाड़ी क्षेत्र थे हिमालय की, जो हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो राज्य थे, तो इसलिए वहाँ के जो ड्राइंग्स बने हैं उनमें हमें पहाड़ी परिवेश या हिमालय परिवेश दिखेगा। वहाँ के जो लोग हैं वो उनके फेस या चेहरे जो होते हैं वो थोड़े गोलाकार के होते हैं। अर्धचंद्राकार ललाट की जो सिर पर जो बालों के नीचे जो फोरहेड अपना होता है वो अर्धचंद्राकार आधे चांद के समान है। ललाटों के नीचे जो जो उनकी आंखें हैं वो गहरी आंखों वाले सामान्य कद का ठीक है, कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, वो छोटी हाइट के होते हैं। तो ये सारी उसकी विशेषता थी पहाड़ी शैली की। अब पहाड़ी शैली में जो एक प्रमुख है बसोली शैली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शैलियों व उपशैलियों का वैशिष्ट इस प्रकार है, जैसे ही अब है बसोली लघु चित्र शैली। इस शैली का प्रादुर्भाव तब हुआ जब मुगल शासक औरंगजेब ने अपने दरबार में कला के सभी रूपों को प्रतिबंधित कर दिया। और जब मुगल ये शासक जब बना था औरंगजेब, तो इसने जब उस समय उनके जो महल में जो भी दीवार पे वॉल पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी, कुछ इस प्रकार का जो भी आर्ट वर्क था, सभी को उसने वाइट वॉश करवा दिया, सारे पुतवा करके उसने प्लेन करवा दिए थे। और ये सारा देख करके जब वहाँ के कलाकारों ने देखा कि अब हमारा फ्यूचर मुगल साम्राज्य में नहीं है और हमें कहीं और अपना भविष्य देखना पड़ेगा या खोजना पड़ेगा, तो वो सारे कलाकार या आर्टिस्ट जो वहाँ थे वो सभी लोगों ने अलग अलग जगह का रुख किया और अलग अलग राजाओं के पास वो पहुंचे। 17वीं सदी के मध्य में मुगल दरबार के कलाकारों ने पहाड़ी राज्यों में शरण ली। उन्होंने वहाँ पहले से विद्यमान कला रूपों में मुगल शैली के विभिन्न तत्वों का तकनीकी समायोजन किया, कि उससे पहले भी वहाँ जब ये मुगल कलाकार पहुंचे उससे पहले भी पहाड़ी राज्यों में जो उनके कलाकार थे या उनकी स्टाइल थी जैसी वो पेंटिंग बनाते थे वो लोग, उसमें मुगल कलाकार ने अपनी स्टाइल को भी मिलाया और उनके आपस में कंपोजिशन करने के बाद जो आर्ट निकली है वो उस के बारे में हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से भिन्न है और किस प्रकार से अच्छी है वो। तत्पश्चात कला का जो रूप सामने आया वह बसोली चित्र शैली कहलाई। यद्यपि ये कलाकार अपने संरक्षकों के अधीन थे, परंतु विषय वस्तु के चयन में वे पूरी तरह से स्वतंत्र थे। कि वो जो राजा थे उनके संरक्षण में ये लोग काम करते थे क्योंकि राजा ही इन्हें पे करता था, लेकिन जो ड्राइंग बनाने के लिए सब्जेक्ट चूज करने के लिए वो स्वतंत्र थे। कि ऐसा नहीं था कि वो राजा उनको बताएगा कि आपको सिर्फ यही बनाना है या यही ड्रॉ करना है या मुझे यही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय के जो बड़े राइटर थे उन्होंने जो ग्रंथों की रचना करी, बड़ी बुक्स स्टोरी या जो पुराण जो लिखे गए हैं वो सारे, तो उस समय के कलाकारों ने उन पुराणों से और स्टोरीज लेकर के उन पर काफ़ी कलाकारी किया है, काफ़ी ड्राइंग्स उनके बनाए हैं। यद्यपि ये कलाकार, हाँ ये तो गया, यहाँ सर्वत्र फैली प्राकृतिक छटा ने कलाकारों का मन मोह लिया। अब वे मुगल शैली के विशिष्ट तत्वों को ही अपनी नई रचनाओं में स्थान देते थे, कि वो मुगल जो उनकी स्टाइल थी उसको वो उसमें यूज करने लगे। इस शैली के प्रमुख विषय यहाँ के चित्रों ने रसमंजरी, रामायण, गीत गोविंद जैसे साहित्यिक ग्रंथों एवं रागमाला के अमूर्त विषयों का चित्रांकन लघु चित्रों में करना आरंभ कर दिया। कि ये जैसे मैंने बताया कि अभी उस समय के जो राइटर या लेखक जो थे जिन्होंने साहित्यिक रचनाएं करी थी, बड़े ग्रंथ लिखे थे, अपने किताबें लिखी थी, तो वो उन्हीं को जो उस समय के कलाकार थे उन्होंने अपने ड्राइंग बनाने में उसी को एज ए सब्जेक्ट लिया। जैसे कि रसमंजरी, रामायण, गीत गोविंद, ये जो उस समय मौजूद जो भी ग्रंथ थे जो काफ़ी पहले से लिखे गए हों या फिर उसी समय लिखे जा रहे हों, उन सारे ग्रंथों से उन्होंने अपने सब्जेक्ट चूज़ किए और उन पर ड्राइंग बनाए। अब यहाँ अमूर्त विषय लिखा हुआ है, जैसे पहले पूछा था किसी ने कि अमूर्त विषय क्या होता है, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ऐसे सब्जेक्ट जो हम फिजिकल ना देखें वो अमूर्त विषय कहे जाएंगे। जैसे कि उस समय मैंने बताया था कि 12 मासा, जैसे 12 मासा मतलब 12 मंथ का जो है वो चित्रण है, तो मंथ को हम जब फिजिकल देख नहीं सकते हमारे सामने, तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो अमूर्त विषय आएंगे, विषय में आएंगे, तो उन पर भी काफ़ी चित्रण हुआ है। शैलीगत विशेषताएं, इस शैली के चित्र प्राय वर्गाकार हैं, ज़्यादातर जो चित्र हैं वो स्क्वायर में बने हुए हैं। इनकी पृष्ठभूमि में प्राय ऊंचे शिखरों वाली 2 मंजिला इमारतों को दिखाया गया है, साथ ही कमल पुष्पों व सजावटी तत्वों का
व्यापक प्रयोग इसमें किया गया है कि ये जो ड्राइंग बने हुए हैं इसमें डेकोरेशन के लिए फ्लावर वगैरह हो या फिर जो बेल बूटे वगैरह जो होते हैं वो लताएं इनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुलेर लघु चित्र शैली। ये सारी पहाड़ी शैली की ही उप शैलियाँ हैं, मतलब पहाड़ी शैली तो इन सारी शैलियों को जो पहाड़ में पनपी थी या विकसित हुई थी उनको कहते हैं, और उसमें जो राज्य थे उन राज्यों के नाम से इन शैलियों के नाम रख दिए हैं। जैसे गुलेर राज्य था तो वहाँ की जो कला थी उसे हम गुलेर लघु चित्र शैली कहेंगे। बसोली जो राज्य था तो वहाँ की कला को बसोली लघु चित्र शैली कहेंगे। तो गुलेर लघु चित्र शैली जो ये है इस शैली के व्यक्ति चित्र व विषयात्मक चित्र दोनों ही प्रसिद्ध हैं। इनमें नारी सौंदर्य की रहस्यात्मकता को अद्भुत ढंग से उद्घाटित किया गया है। व्यक्ति चित्र जैसे मैंने बताया था कि जो व्यक्तियों के चित्र पोर्ट्रेट्स वगैरह जो राजाओं के दरबारियों के या राज परिवार के लोगों के बनाए जाते थे, और विषयात्मक चित्र जो किसी सब्जेक्ट को लेकर के जैसे अभी हमने बुक की बात करी रसमंजरी रामायण भगवत पुराण या और भी कोई वो टॉपिक चूज करते थे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ड्रॉइंग बनाते थे। तो ये दोनों प्रकार के जो चित्र हैं वो गुलेर लघु चित्र शैली में बने हैं। गुलेर के चित्रों में भाव प्रवणता है वह मुगल शैली के चित्रों में भी देखने को नहीं मिलती। भाव प्रवणता मतलब कि एक तो जो ड्राइंग जो होती है उसमें दो चीज होती है, एक तो कि वो उसकी टेक्निक जो है वो किस प्रकार की है, क्योंकि उसमें जो कलर फिल किए गए हैं उसकी आउटलाइंस हैं उसकी शेडिंग है वो किस प्रकार की यूज की गई है, वो अच्छी है जो कलर फिल गए हैं जो कलर फिल किए हैं वो मतलब कॉन्ट्रास्ट में है या किस प्रकार के हैं, अच्छे कलर हैं डल हैं लाइट हैं या फिर एकदम चमकीले कलर हैं, इस प्रकार की ये सारी टेक्निक आती है। ये जो है टेक्निकल उसका व्यू होता है पेंटिंग का। और दूसरा ये कि चित्रों में भाव प्रवणता भाव इमोशंस वगैरह चित्र को देख करके क्या भाव जागते हैं हमारे मन में, तो जो गुलेर का जो चित्र है उनमें भाव प्रवणता अधिक है कि वो देख करके जितने की मुगल शैली के चित्रों में भी हमें देखने को नहीं मिलती। मुगल शैली के जो चित्र हैं वो टेक्निक के आधार पर ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन भाव के आधार पर अगर भाव प्रवणता देखी जाएगी या इमोशनल के आधार पर देखा जाएगा तो वो पहाड़ी चित्र शैली के जो चित्र हैं वो ज्यादा भाव प्रवण हमें दिखेंगे। शैलीगत विशेषताएं, रंगों में असाधारण कोमलता, विशिष्ट निष्पादन, रेखांकन में अद्भुत बारीकी एवं परिदृश्य का भावपूर्ण चित्रण गुलेर के चित्रों की विशिष्टता गुलेर के चित्रों को विशिष्टता प्रदान करते हैं। कि ये इन गुलेर के चित्रों की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो असाधारण कोमलता है वो रंगों में और उत्कृष्ट निष्पादन रेखांकन में अद्भुत बारीकी कि जो रेखाएं वो काफी जो बनाई गई हैं वो काफी बारीक बनाई गई हैं। परिदृश्य का भावपूर्ण चित्रण की जैसे अभी हमने बात करी थी कि जो भी पूरा दृश्य दिख रहा है वो इमोशनली या भाव मतलब ये चित्र को देखेंगे तो वैसे भाव हमारे मन में जागेंगे कि जैसे चित्रकार ने उस समय बनाते वक्त सोचा होगा कि उसके मन में क्या है, उस प्रकार की चीजें जो है वो हमें पहाड़ी लघु चित्र शैली में ज्यादा दिखती हैं। मृग छोने कपासी बादल एवं भावपूर्ण प्रकृति गुलेर के चित्रों की विशेषताएं हैं। कपासी बादल यानी कि उसमें जो उनके पेंटिंग्स में बादल ऐसे बनाए गए हैं जैसे कॉटन या कपास जो होती है वो रख दी हो उस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट है कांगड़ा लघु चित्र शैली जो कि कांगड़ा राज्य में विकसित हुई या वहां पर बनी। कांगड़ा लघु चित्र शैली, कांगड़ा के लघु चित्र पहाड़ी चित्र शैली की शान है। कांगड़ा शैली के चित्र जो है वो पहाड़ी लघु चित्र शैली में सबसे अच्छे माने जाते हैं, और अभी भी वो जो सबसे अगर देखा जाए किसी के पास होंगे तो मिलना तो काफी मुश्किल है उस समय के, लेकिन वो बहुत महंगे बिकते हैं अभी भी कि वो ज्यादा डिमांड है उनकी। उस समय का जो राजा थे संसार चंद, उन्होंने वहाँ के कलाकार को आर्टिस्ट को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया और काफी अच्छा कार्य इस कांगड़ा लघु चित्र शैली में हुआ। तो कांगड़ा लघु चित्र शैली को जो वो है पहाड़ी शैली की शान माना जाता है। इन चित्रों में हम वहाँ की माटी की गंध महसूस कर सकते हैं। सुकुमार ढंग से उकेरे गए स्त्रियों के नाक नक्श मनभावन है। कांगड़ा शैली राजा संसार चंद के शासनकाल में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंच गई थी। राजा संसार चंद थे वो काफी कला प्रेमी राजा थे, तो उन्होंने कला को या शैली को आर्ट को बहुत बढ़ावा दिया अपने राज्य में। अपने जो कलाकार थे आर्टिस्ट थे उनको अच्छा संरक्षण दिया, काफी उनको सुविधाएं दी। इस वजह से आसपास के कलाकारों ने भी आकर के आसपास के राज्यों के कलाकारों ने भी आकर के उनके वहाँ सेवाएं प्रदान करी और चित्र जो बनाए। राजा के दरबार की शानो शौकत को बारीकी रेखाओं रंगों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। वहां पर बने व्यक्ति चित्र सहज व सुंदर हैं। इस शैली के प्रमुख विषय, कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय क्या हैं? केशवदास का काव्य रसिक प्रिया कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रिय विषय, चित्रों यानी आर्टिस्ट या कलाकार। तो केशवदास जो थे राइटर थे
तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया में जो मैटर था, जो उन्होंने लिखा था, उसको लेकर के कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने काफी पेंटिंग बनाई। उनका मुख्य विषय जो था वो रसिक प्रिया था। राधा कृष्ण को कभी प्रेमी युगल तो कभी नायक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। जो पूरा जो हम पहाड़ी शैली पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर जो ड्राइंग है वो भगवान कृष्ण और राधा जी के ऊपर बनाए गए हैं। उनको अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर दर्शाया गया है। जो जैसे कुछ तो हम राजस्थानी शैली में भी काफी बने जो हमने लास्ट में देखे थे। और जो मुख्य विषय जो पहाड़ी शैली का है, मुख्य विषय इसीलिए पहाड़ी शैली का प्रेम कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर जो चित्र बने हैं वो राधा कृष्ण जी के बने हैं। इस शैली के चित्रों ने शशि पुन्नु, हीर राजा व सोनी महिवाल जैसी प्रेम गाथाओं को अपनी तुलिकाओं से चित्रित किया है। तुलिका का मतलब होता है ब्रश। जो अपने ब्रश से इन्होंने शशि पुन्नु, हीर राजा और सोनी महिवाल जो प्रेम कहानियां हैं, प्रेम गाथा हैं, उनको भी उस समय के चित्रकारों ने जो कांगड़ा शैली में चित्रण करते थे उन्होंने काफी अधिक मात्रा में बनाया है। अब कांगड़ा शैली की जो है वो शैलीगत विशेषताएं हैं, लाल, पीले, नीले आधारभूत रंग सौम्य व सजावटी हैं। कांगड़ा शैली में सुंदर हाशिए, हाशिए जैसे मैंने बताया कि चित्र के जो आउटलाइन, जो बाहरी जो लाइन जो बनाई जाती है और उसमें अगर कुछ डिजाइन बनाई जाए या सिर्फ प्लेन मोटी लाइन बनाई जाए या कुछ भी हो तो उसे हम हाशिया कहेंगे। सुंदर हाशिए बारीकी के साथ आभूषणों व इमारतों के चित्रण प्रशंसनीय है। वृक्षों पर संतुलित आकार, पत्तियों व फूलों से युक्त झाड़ियों का चित्रण तथा पहाड़ियों से परिपूर्ण प्राकृतिक वैभव से सरब और परिदृश्य कांगड़ा चित्रों की विशिष्टता प्रदान करते हैं। कांगड़ा चित्रों को अब एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि पहाड़ी चित्र शैली की क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या स्पेशल है, दोनों पहाड़ी और मुगल शैली में अंतर स्पष्ट करें, इस प्रकार के। तो हमें ये जो विशेषताएं हैं उनकी शैलीगत विशेषताएं, इनको ढंग से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट है चंबा लघु चित्र शैली। अत्यधिक चित्ताकर्षक, सुकुमार एवं विशिष्ट स्त्री आकृतियां चंबा के लघु चित्रों को अलग पहचान देती है। इस शैली के चित्रों ने लाल व नीले रंगों को कलात्मक व तकनीकी संयोजन के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित किया है। किसने? चंबा लघु चित्र शैली के कलाकारों ने। अब नेक्स्ट है गढ़वाल लघु चित्र शैली, जो कि गढ़वाल राज्य में बनी होगी इसलिए इसका नाम गढ़वाल लघु चित्र शैली है। तो गढ़वाल लघु चित्र शैली गुलेर के समान ही दिखाई देती है। यहाँ के चित्रों में रंगों की मोहकता, अभिव्यक्ति में स्पष्टता तथा सौंदर्य की सुकुमारता के अलावा क्रमबद्ध चित्रण एवं अत्यधिक विकसित प्रतीक विधान हिंदू नालागढ़ उपशैली की कला का वैशिष्ट है। नेक्स्ट है मंडी लघु चित्र शैली। मंडी के लघु चित्र अपनी शैलीगत व विषयगत विशेषता के कारण पहाड़ी लघु चित्र शैली में बने अन्य चित्रों से बिल्कुल अलग हैं। देवी के विविध तांत्रिक रूपों का चित्रण मंडी लघु चित्र शैली की विशेषताएं रही है कि जो मंडी लघु चित्र शैली है इसमें ज्यादातर देवी के जो चित्र बनाए गए हैं और उनको तांत्रिक रूपों का उनमें चित्रण किया गया है। अब ऐसा चित्रण जो पहाड़ी शैली की दूसरी उप शैलियां हैं गढ़वाल, कांगड़ा, गुलेर वगैरह, बसोली, उनमें नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मंडी शैली में मिलेगा। इसलिए ये सारी जो है पहाड़ी शैलियों से अलग हटकर है मंडी शैली कि इसमें देवी के विविध तांत्रिक रूपों का चित्रण किया गया है। इन चित्रों में चित्रों ने गहरे काले, लाल व नीले रंगों का अत्यधिक प्रयोग देवी के रहस्यात्मक रूप की भयावहता को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये हमने 6 प्रकार की जो पढ़ी है वो लघु चित्र शैली, पहाड़ी लघु चित्र शैली पढ़ी है 6 प्रकार की। अब हम देखते हैं आगे इस शैली में बने हुए 2 चित्रों के बारे में। जो फर्स्ट है गोपियों संग कृष्ण, ये जो चित्र है ये चित्र का नाम है गोपियों संग कृष्ण। इसका चित्रकार है मनकू और इसको बनाया गया है पेपर पर वाटर कलर से, कागज पर जल रंग से, और इसका समय है 1730 ईस्वी, 1730 CE के समय ये चित्र बनाया गया था। उपशैली है बसोली शैली में ये बना हुआ है। तो मुख्य शैली तो आएगी पहाड़ी शैली और उसकी उपशैली है बसोली शैली। तो ये जो चित्र है ये बसोली शैली में बना हुआ है। टेक्निक इसकी है टेम्परा, जैसे पहले भी मैंने बताया था जो हम पोस्टर कलर जो यूज़ करते हैं, पोस्टर कलर को फिल करना, जो ट्रांसपेरेंट ना दिखे, मोटे कलर लगे, उसे हम टेम्परा टेक्निक कहते हैं। और ये जो ड्राइंग है अभी हमें मिलेगी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ जा करके इसको देख सकता है। अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम, विवरण क्या लिखा हुआ है। तो ये जो चित्र है ये इस चित्र को मनकू द्वारा 1730 ईस्वी में
बसोली उपशैली के अंतर्गत चित्रित किया गया है, जिसमें नीलवर्ण यानी कि ब्लू कलर, नीला कलर जो है वो कृष्ण को, कृष्ण में नीले कलर का यूज किया गया है, नीला कलर में बनाया गया है भगवान कृष्ण को। कृष्ण को यमुना के तट पर गोपियों के संग नाचते गाते दिखाया गया है। अर्धनग्न कृष्ण के गले में मोतियों का हार है, सिर पर मोतियों से सुसज्जित मुकुट है, जिस पर बड़ा मोर पंख व दो पुष्प कलियां शोभायमान है। कमर के नीचे उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी है। अगर ऐसे एग्जाम में भी आ जाता है कि ये जो ड्राइंग है, इस नाम की ड्राइंग है, इसका वर्णन कीजिए, इसके बारे में बताइए, इसकी शैलीगत विशेषताएं लिखिए, इसकी विषयगत विशेषताएं लिखिए, या जो भी आपको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए बताए, तो उसमें इसी प्रकार से हमें लिखना है कि ये चित्र किसने बनाया था, कब बनाया था, ये मुख्य विषय क्या है। इसमें जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये भगवान कृष्ण को नीले वर्ण में दिखाया गया है, गोपियों के संग नाचते दिखाया गया है, वो जो बनाए गए हैं वो अर्धनग्न जो है, मतलब ऊपर का जो पोर्शन होता है शरीर का, वक्ष उस वहाँ पर वो सिर्फ उन्होंने हार और माला फूल वगैरह जो है यही पहने हुए हैं, और नीचे जो उन्होंने है वो धोती पहनी हुई है। इस प्रकार से हमें उसमें वर्णन करना है कि उनके सिर पर जो है बड़ा मोर पंख है, दो पुष्प कलियां शोभायमान है, कमर के नीचे पीले रंग की धोती पहनी है, जो जो हमें ड्राइंग में जो दिख रहा है उस प्रकार से। अब इसमें ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ड्राइंग्स हैं वो लिमिटेड है, अपने पास ज्यादा ड्राइंग्स हमें या ज्यादा पेंटिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, तो एक एक पेंटिंग के बारे में सभी को ये याद करना है। गोपियां रंग बिरंगे पारदर्शी परिधानों से सुसज्जित विभिन्न मुद्राओं में कृष्ण के आसपास अटखेलियां करती दिखाई गई हैं। एक गोपी नीचे बैठकर गर्दन झुका कृष्ण के पैरों को सहला रही है। सभी के चेहरे समान रूप से सुंदर व बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं। उनकी भौहें धनुषाकार है, पर्याप्त गोलाई लिए हुए ललाट व लंबी नुकीली नाक इस चित्र की विशेषता है। दाहिने और हाथ जोड़े राधा खड़ी है, साथ में उनकी परिचारिका छाता लिए हुए खड़ी है। उनकी मुखाकृति व परिधान भी अन्य आकृतियों के समान है। पृष्ठभूमि में पंक्तिबद्ध विविध रंगों वाले वृक्ष दिखाए गए हैं, जिनकी पत्तियों को अलग रंगों, धारियों व धब्बों से चित्रित किया गया है। पृष्ठभूमि के मध्य भाग को हल्के सिंदूरी रंग से रंगा गया है, जो कि धरातल को इंगित करता है। यह चित्र बसोली चित्र शैली का अनुपम उदाहरण है। किसका है? बसोली चित्र शैली का अनुपम उदाहरण। जैसे ये देख पा रहे हैं कि जो जो उसमें विवरण में दिया गया था कि जो भगवान कृष्ण को ब्लू रंग में बनाया गया है, ये बीच में साइड में जो ये सारी गोपियां जो हमें दिख पा रही है जो बनी हुई है, पीछे पेड़ों को बनाया गया है, और जो ये पूरा जमीन को जो दिखाया गया है वो एक ऑरेंज कलर टाइप में दिखाया गया है। नीचे परिचारिका जो उनके पैरों को सहलाते हुए नीचे है जो बैठी हुई है, मतलब इस प्रकार से हमें पूरा वर्णन करना है कि अगर ये एग्जाम में आ जाता है कि गोपियों संग कृष्ण जो चित्र है उसके बारे में बताइए, तो उसमें वो किसने बनाया, कौन सी उपशैली में बनाया है, कौन से कलर यूज किए गए हैं, कृष्ण कैसे दिख रहे हैं उसमें, कहाँ है उनके आसपास, कौन है, पीछे पेड़ हैं, जमीन किस कलर की है, पानी है तो वो किस प्रकार से बना हुआ है, ये सारी चीजें हमें उसमें बतानी है। अब नेक्स्ट जो ड्रॉइंग है, नेक्स्ट है वो नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। अब जैसे मैंने बताया था कि जो ये पहाड़ी लघु चित्र शैली है पहले से ही वहाँ पर चल रही थी, जो पहाड़ी राज्य थे वहाँ पर कलाकार जो थे पहले ही थे वो एक प्रकार का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने अपने चित्रकारों को अपने राज्य से निकाला तो वो ढूंढ के अपने आश्रय ढूंढने के लिए जब वो वहाँ पहुँचे तो उसमें जो आर्ट में डिफरेंस आया वो दोनों आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक तो ये ड्राइंग है और एक ये ड्राइंग है। ये इस प्रकार के कलर और इस प्रकार की ड्राइंग जो वो पहाड़ी लघु चित्र शैली की मुख्य धारा जो थी वो, मतलब पहले जो पेंटिंग या पहले जो स्टाइल थी पहाड़ी मुगल कलाकारों के आने से पहले, वो इस प्रकार के उसमें चित्र बनते थे, या वहाँ के जो चित्रकार थे वो इस प्रकार के चित्र इस प्रकार के कलर यूज करते थे। तो डिफरेंस आप सीधा देख पाएंगे, एक तो ये चित्र था और एक ही है। तो ये मुगल कलाकारों के वहाँ पहुँचने के बाद जो है चित्र में ये डिफरेंस आया कि ये जो कलर वो लाइट कलर ऐसे धुंधले कलर वो यूज करते थे, और जो पहाड़ी के जो पुराने कलाकार थे वो बिल्कुल चटकीले तीखे लाल पीले नीले इस प्रकार के कलर का यूज करते थे। ये हम दिखवाएंगे, जैसे आप अगर ये देखिए ये जो फेस दिख रहा है ये सारे मुगल टाइप के फेस है, जैसे मुस्लिम व्यक्ति हो, तो ये वहाँ के कलाकार जो मुगल आर्ट के कलाकार थे, मुगल शैली के कलाकार थे, वो इस प्रकार के ड्राइंग्स बनाते थे। तो उनके आने के बाद का जो प्रभाव है ये दिख हमें इस ड्राइंग में दिख पा रहा है। जैसे ये है, ये भी इनकी जो पगड़ी है वो इस प्रकार से, जो इनकी ये दाढ़ी है ये हमें मुगल शैली की स्टाइल या मुगल शैली के बारे में बताती है। तो बाकी ये जो हम पूरा चित्र देखेंगे तो ये मुगल शैली की प्रधानता को दिखाते हुए बनाया गया है, और ये पहाड़ी लघु चित्र शैली का जो ड्राइंग है। जैसे इसमें ये बनाए गए हैं वो कॉटन के बादल, जैसे मैंने बताया था कि रुई के जो बनाए गए हैं, जैसे रुई रखी गई हो, कॉटन रखी गई हो, वैसा। तो ये
मुगल कलाकारों के जाने के बाद जो ड्राइंग है ये उस प्रकार की दिखाई देती थी। ये इसका नाम है नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए, गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चित्र का नाम हमने देख लिया, इसका चित्रकार है नैनसुख, ये भी कागज़ पर जल रंग से बना हुआ है। इसका समय है 1785 से 90 के बीच किसी समय ये बना हुआ है। इनका समय निर्धारण इस प्रकार से किया जाता था कि काफ़ी सारे ड्राइंग्स थे जो उसमें उनके पीछे समय लिखा होता था कि ये किस समय बना हुआ है, और जब किसमें समय अंकित नहीं होता था तो फिर उसमें किसी राजा का नाम लिखा होता था जिस राजा के समय बनाए। तो फिर उसके बाद विद्वान जो थे वो इस प्रकार से उसका आइडिया लगाते थे कि ये उस राजा के समय बनाए तो वो राजा इस समय से इस समय के दौरान रहा है, तो ये शायद हो सकता है कि ये पेंटिंग उस समय बनी हो। तो इस वजह से ऐसा लंबा टाइम जो ड्यूरेशन वगैरह देते हैं कि भाई इस 5 साल के बीच में, अब इसको बनने में 5 साल तो नहीं लगे होंगे लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये 1785 में बनाए या 90 में बनाए, लेकिन ये पता है कि इसके बीच में कभी ये ड्राइंग या ये पेंटिंग बनाई गई होगी। उपशैली है इसकी कांगड़ा, टेक्निक इसकी भी टेम्परा है, और ये भी जो है वो अभी संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। विवरण पढ़ते हैं हम इसका। इस लघु चित्र शैली में गोकुलवासी नंद यशोदा और कृष्ण के साथ वृंदावन जाते हुए दिखाए गए हैं। यह लघु चित्र नैनसुख नामक चित्रकार ने 1785 से 90 के बीच की कलावधि में चित्रित किया है किया था। कांगड़ा उपशैली में बने भागवत पुराण के आख्यान के आधार पर आधारित यह चित्र सुकुमार सौम्य व चित्ताकर्षक है कि ये जो चित्र है वो भागवत पुराण का कोई उन्होंने दृश्य उठाया या वाम का कोई कॉन्सेप्ट उठा करके कि वहाँ पर जो लिखा होगा कि भाई जब नंद यशोदा और कृष्ण जब वृंदावन जा रहे थे तो उस समय उनके साथ ऐसे लोग थे, इस प्रकार से ऐसे जा रहे थे, तो वो उन्होंने पढ़ा और इस प्रकार के उन्होंने उसको पढ़ करके उसको एक ड्राइंग का रूप दिया और चित्र बनाया। इस चित्र में 13 मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं, इनमें से 3 को यमुना नदी में तैरते हुए दिखाए गए हैं, शेष आकृतियों को नदी के उस पार विभिन्न मुद्राओं में विविध रंगों के वस्त्र पहने हुए दिखाए गए हैं। नीलवर्ण कृष्ण को अर्धनग्न किंतु शरीर पर विभिन्न स्वर्ण आभूषण व गले में फूलों का बड़ा हार पहने हुए दिखाया गया है। भगवान कृष्ण को जितने भी हम ड्राइंग्स देखेंगे भगवान कृष्ण को नीले कलर में ही बनाया गया है हर जगह। उनके सिर पर सुनहरा मुकुट है, वे बादलों के बीच झांक रही वृंदावन की सुनहरी इमारतों की ओर हाथ से संकेत कर रहे हैं, और गोकुलवासी नंद व यशोदा आश्चर्य से उस ओर देख रहे हैं। नंद व यशोदा को छोड़कर सभी के ऊपर का आधा शरीर वस्त्रविहीन है। एक अन्य मुकुटधारी जिसे नीले रंग के वस्त्र में दिखाया गया है संभवतः यह बलराम है, जो कि हाथ ऊपर उठाकर वृंदावन की ओर संकेत कर रहे हैं। अधिकतर मानवाकृतियों को कमर के नीचे धारीदार वस्त्रों में दर्शाया गया है। जैसे हम देखते हैं इसको कि ये जो आकृतियाँ हैं ये पानी में, 3 आकृतियों को पानी में नहाते हुए बताया गया है। ये जो है वो हाथ से इशारा करते हुए वृंदावन की सुनहरी इमारतों की ओर, तो हो सकता है कि ये बलराम हो, ये भगवान कृष्ण जो नीले वर्ण में दिखाए गए हैं, और ये उनके साथ की जो भी आकृतियां हैं। तो ये पहाड़ी शैली का चित्र है जिसमें मुगल शैली का हमें प्रभाव दिखाई देता है। इसमें दर्शाया गया है उनका सिर रंग बिरंगे वस्त्र से ढका हुआ है। नदी के तट पर बाईं ओर एक विशाल वृक्ष के कटे हुए तने पर एक पक्षी बैठा है, दूसरे तने पर भी एक अन्य पक्षी बैठा दिखाया गया है, परंतु इस तने को हरा भरा दिखाया गया है। चित्र की दाहिनी ओर एक वृक्ष है, उस पर लताएं लिपटी हुई हैं। पृष्ठभूमि में बादलों से घिरा आसमान व अन्य बादलों के बीच से झांकती वृंदावन की सुनहरी इमारतें हैं। नदी के आसपास की भूमि को हरा भरा दिखाया गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम देख लेते हैं। पहाड़ी लघु चित्र शैली के उदय एवं विकास का वर्णन कीजिए। अब जैसे मैंने बताया था कि इसका उदय कैसे हुआ और विकास है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कि जो पहाड़ी राज्य थे वहाँ पर आर्ट्स हैं वो अपने प्रोसेस है या अपने हिसाब से चल रही थी वहाँ कि आर्ट, जो वहाँ के जो लोकल वहाँ के आर्टिस्ट थे जिस प्रकार की कला कार्य वो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे मुगल कलाकार से या मुगल दरबार से जो कलाकार वहाँ से निकाले गए और वो आए, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। पहाड़ी लघु चित्र शैली की उपशैलियों का वर्णन कीजिए। उपशैलियाँ जो हमने सारी पढ़ी है, गुलेर, कांगड़ा, बसोली, चंबा, कुल्लू, मंडी, उन शैलियों के बारे में हमें इसमें लिखना है कि उसकी विशेषताएं क्या है उन शैलियों की। पहाड़ी लघु चित्र शैली की शैलीगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि उनकी शैलीगत विशेषताएं, कि उनकी शैली यानी स्टाइल से रिलेटेड है कि उनमें क्या क्या सिमिलरिटी थी और क्या क्या उनमें अलग जो था विशेषता उनमें क्या क्या थी उसके बारे में इसमें बताना है। निम्नलिखित पर विशिष्ट टिप्पणी कीजिए। बसोली लघु चित्र शैली, चंबा लघु चित्र शैली, कांगड़ा और गुलेर लघु चित्र शैली, इन चारों के बारे में आपको इसमें लिखना है।
फिफ्थ क्वेश्चन है, पहाड़ी लघु चित्रों के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित के रचनात्मक संगठन पर टिप्पणी लिखिए। गोपियों संग कृष्ण, और यह है नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए, जो दोनों ड्रॉइंग्स इसमें है। आपको जैसे इसमें इस प्रकार का विवरण लिखा हुआ है उसी प्रकार से उसमें उसका आंसर देना है और वो पूरा लिखना है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वो पूछ सकते हैं, इसको वीडियो को पूरा देखें और जो भी क्वेश्चन है वो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें।